इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। कराना चाह रहे हैं आप पाकिस्तान के अवाम के पास, कहीं चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। हमारी सारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको मुश्किल फैसलों से रोकने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए। पंजाब में एक बेरो बिहर आईनी बोहरान पैदा थे जो खर्चो गवर्नर बरीगुर रहमान जो कम का पोए भी पंजाब असेंबली के स्पीकर पारा अज सूबा असेंबली जो इजलास तलब न कर पो सप्तन खान गुजरली रूलिंग दौरान गवर्नर पारा तलब कल पंजाब असेंबली के इजलास के गैर आईनी करार डींदे असेंबली जो इजलास जो मेताई मुलतवी कर हो। मोड की तबाही के मुडर सब का वो चैलेंज है। पाकिस्तान में मौसम मुतासर थे 3 करोड़ 30 लाख मान की बाली लाए आलमी सरकार की जरूरत है। मुस्तबिल से मामलियाती सानियन के मुडर भी वो मसलो है। पढ़ी मामले मारे वसी बिलावल भुटो सरदारी जो वॉशिंगटन में इटलॉटिक काउंसिल साउथ एशिया के बहस दौरान खिताब संदस सवनायत पाकिस्तान का मौसमी मुफाद अमेरिका सा लड़ल है। अमेरिका सा हर सतह से रातों रो है। बई मुल्क गडी कम कर ख्वाहिशमंद बतरफन लागापन के मजबूत करना चाहिए था। परडे मामलन बारे वसी बिलावल भुटो सरदारी जो वॉशिंगटन में यूएस एडमिनिस्ट्रेटर अमेरिकी सेनेटर्स अमेरिकी थिंक टैंक के माहिर मीडिया पर्सन वर्ल्ड बैंक के वफद से मुलाकातू बोर्ड मुतासन की बहाली बारे मामलों के ख्याल की डे वट बिलावल भुटो सरदारी तरफा बोर्ड मुतासन की बहाली लाए 97 मिलियन डीलर से इमदाद से यूएस एड जा थोरा मना इस्लामाबाद की अदालत तकरारी ट्वीट्स वारी केस में पीटीआई सेनेटर आसम सवाती की जमानत वारी दरख्वास्त रद्द करिश्ती अदालत से चमनाए तो आसम सवाती एक ही डोह बीहर कयो उन करे संदस जमानत वारी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। सखर पुलिस आसम सवाती खिलाफ मुख्तलिफ थाने से दाखिल 6 केस की क्लास कर रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में जमा कराई गई। बनून में सीडीडी कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन दौरान 5वीं दहशतगर्द मार्च गया 7 दहशतगर्दन हथियार फिटाकरिश किया 3 जन की गिरफ्तार कर पो फायरिंग की डेवट में 3 जवान शहीद एबिन ऑफिसर समेत 10 सिपाही जख्मी थी पाया। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो चवन है तो सीडीडी कंपाउंड से बाहर का को भी हमलो न थो हिरासत हेठ दहशतगर्दन जांच दौरान सीडीडी जवान का हथियार से फायरिंग कई। दहशतगर्द अफगानिस्तान वन महफूज रस्तों घुरी रहा हुआ जैके रद्द कर पो पाक फोर्स दहशतगर्दी के पाड़ का खत्म करने रसमा हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए रियासत कें भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम सामू न चुकंदी मुल्क में नफे पखिड़ की कोशिश के चिठो वो दहशतगर्दन के सख्ती से मोड़ो वो हुकूमत दहशतगर्दन के पड़े सलवतकार पनाहगान को खात्मो यकीनी बनाई अमनोमान की बुनियादी जिम्मेवारी सूबन की है पर वफाक अखियो बंद नो कर सके दहशतगर्दी के मुकाबले लाए सूबन से गरजी कम कर परडे मामलन बारे वजीर बिलावल भुटो सरदारी से अमेरिकी मनसब एंटोनी ब्लिंकन जो फोन से राबो बोर्ड मुतासर की बहाली में मदद की खातरी अमेरिकी परडे वजीर जो चवण है अमेरिका बोर्ड मुतासर की मदद की हिमायत करे तो ईंदड़ महीने नतीजा डींदड़ मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से लाए पुरुमीद है। एंटोनी ब्लिंकन पारा दहशतगर्द हमलन में इंसानी जानू साए थे अफसोस इजहार कर पो
वे वजीर मादरी शाह की सदारत हेठ कणक के जखीरे के हवाले से इजलास जनवरी का मार्च तीन टे लख टन कणक की जरूरत है। खुराक खाते की ब्रीफिंग वे वजीर जरूरत मौजूद कणक खरीद कर मंजूरी दे छी संदस अवनायत कणक की खरीदारी कई वे तो जी खोट पैदा न थे। वजीर आजम अज सिंध के दौरे से खैरपुर पहुंचो शहबाज शरीफ खैरपुर जिले के बोर्ड मुतासर इलाक जायजो वो वजीर आजम के बोर्ड की तबाहकार मुतासर की मदद तबाह थियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से ब्रीफिंग दी वी शहबाज शरीफ इमदादी कम के जायजे समेत बोर्ड मुतासर से मुलाकात भी कर। सिंध हाई कोर्ट एमडीए के मलीर के कदीमी गोठन यूसुफ आरफानी आरिफ उमर के ड्रॉइन का रोके छो एमडीए के अलॉट प्लॉट या मुआवजो देने की हिदायत रेवेन्यू बोर्ड के सीनियर मेंबर बकावला उनर एनडीसी मलीर इरफान इस्लाम मीरवाणी पारा कदीमी गोठन जो रिपोर्ट पेश कर वो जैं अदालत पारा कदीमी वसीदन के नंढाण जो हुक्म जारी कर वो। कंदकोट में मोहम्मदानी एखोसा बिरादरी की विंदुरी विच में जेड़ो फायरिंग के नतीजे में वाटाड़ू समेत बजड़ा मारी पाया मकतूल चाकर एखोसो जैन पोलू जो मड़ पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल। मांझद भरसा गरम पानी में सड़ी जख्मी थियल छह वरीहें जो बाड़ू जिंदगी की जंग हारा पो अलाडीनो कुंभर घर में रांद करण दौरान गरम पानी की देगड़ी में किरण के नतीजे में सड़ी जख्मी थी पो हो इलाज लाए केस कराची की जिना अस्पताल में पो जिते हूं जख्म की सट सदे दम दे छो बाड़े जो मड़वाणी गोट पोचण से फौराम। भानसईदाबाद वेझो सिंध दरिया में बोरी बंद लाश शायद पुलिस हदबंदी के तकरार सब लाश कढ़ने का इनकार कर छो इलाके वासिन पारा लाश दरिया में कड़ी अस्पताल मुंतकिल कर पो सुणप न थी सकी। एएनएफ सऊदी अरब मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बढ़ाई छी कराची के शहर फैसल से खांगी कोरियर ऑफिस से छापो तंदूर में लिकायल 88 किलोग्राम आईसर जवाबदार गिरफ्तार एएनएफ तर्जुमान मौजूद गिरफ्तार जवाबदार इकरार अहमद खैबर जो रवासी है जवाबदार रावलपिंडी में मंशियात पार्सल केस में भी घुर्बल हो। लॉलीवुड की अदाकारा मायरा खान जिंदगी जो 38 बारू डी वरतू मदान 12 सालगिरह के मौके से मायरा के वादायूँ।